खरीदते हो ना, आपने कभी प्रॉपर्टी ऊपर वाला के इतने रहमो करम हो कि आप कभी प्रॉपर्टी खरीदो, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि YouTube पे चैनल बनाने के लिए कोई पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या कंपैरिजन है, YouTube का चैनल और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो बहुत पैसे बनते हैं, प्रॉपर्टी तो पैसे से आती है और पैसा बनाती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि YouTube का आपका चैनल जीरो कॉस्ट से शुरू होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने मेहनत की तो वो आपको प्रॉपर्टी से ज्यादा दाम दे के जाएगी, और मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, बहुत लोग नहीं जानते कि मेरा जो पहला चैनल था दैट इज मेड इजी केमिस्ट्री, अगर किसी ने सुना हो तो बहुत लोग जानते हैं, उसको मैंने सेल किया था, मैंने उसको बेचा था। तो इसका मतलब YouTube का चैनल आप बेच भी सकते हैं, ठीक है। और मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेरी खुद की फैमिली है, मतलब मैं उस फैमिली का हिस्सा ही हूँ, लेकिन मैंने अपने उस चैनल को वहाँ पर सेल किया था, उसे मर्ज किया था। तो आप YouTube का चैनल आपके लिए एक प्रॉपर्टी है, और वो अच्छा खासा आपको देखे जाता है, जितने में आप जमीन खरीदते बेचते हो शायद उससे 100 गुना ज्यादा में अपना चैनल भी बेच सकते हो। और ये सच है, ये झूठ नहीं है, और मैं अकेला नहीं हूँ YouTube चैनल बेचने वाला, बहुत सारे लोग हैं जो अपना YouTube चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट बेचते हैं, खरीदते हैं, बहुत लोग बेचते भी हैं। तो वो एक तरह की प्रॉपर्टी है, बट द थिंग इज वो प्रॉपर्टी तब काम करती है जब आप उसमें क्या हो, आप उसमें सुपर एक्टिव हो, आप उसको क्या करो, डेवलप करो। ये जीरो से शुरू होता है, लेकिन मेहनत आपकी पूरी मांगता है, और अगर आपने पूरी मेहनत की और फाइनली उसको खड़ा कर दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं दैट चैनल इज लाइक अ प्रॉपर्टी, वो उससे भी कहीं